नमस्कार दोस्तों, टॉप क्रिकेट कोच चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट ग्राउंड के मेजरमेंट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सामने ग्राउंड का नक्शा देख रहे हैं, तो यहां पर देख लीजिए ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन का जो सर्कल बनाया गया है उसे हम 30 यार्ड सर्कल कहते हैं। आपने बहुत बार कमेंटेटर से भी सुना होगा 30 यार्ड का सर्कल, तो उसका डिस्टेंस कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए जो क्रिकेट स्टंप्स रहते हैं उसमें से जो मिडल स्टंप जो रहेगा यहां से यहां तक अगर हम डिस्टेंस पकड़ेंगे तो वो 30 यार्ड पकड़ना है। 30 यार्ड मतलब होता है वो 90 फुट, तो 90 फुट का रेडियस उसे हम त्रिज्या कहते हैं, उसे हम घेरा भी कहते हैं। उस घेरे को यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक बनाना है, मतलब यहां से यहां तक 90 फीट, यहां से यहां तक 90 फीट, मतलब टोटल जो ये एरिया बनेगा वो बनेगा 180 फीट। वैसा ही सेम घेरा दूसरे साइड के स्टंप के यहां से भी बनाना है। यहां से यहां तक 90 फीट का रेडियस, त्रिज्या या उसे घेरा भी कह सकते हैं, वैसा बनाना है यहां से यहां तक। और फिर ये जो दो लाइन बचेगी उसे स्ट्रेट लाइन से, मैंने पहले ही जोड़ के रखा है, वैसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। ये जो सर्कल बन रहा है, मतलब ओवल शेप का जो सर्कल बन रहा है उसे ही कहते हैं 30 यार्ड का सर्कल। अभी हम बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, तो यहां से जो बाउंड्रीज तक का जो एरिया रहता है वो रहता है 225 फुट, मतलब 75 यार्ड। यहां से अगर हम 225 फुट का अगर सर्कल पूरा बना ले तो फिर ये जो बाउंड्रीज का एरिया रहता है वो आईसीआईसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उनका जो रूल रहता है कि दो बाउंड्रीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 450 फुट, मतलब 150 यार्ड, वो कंडीशन फुलफिल कर देता है। तो अगर आप ग्राउंड बनाना चाहते हैं और डिस्टेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना डिस्टेंस है, तो ये मैंने आपको एक सैंपल के लिए डिस्टेंस बताया है कि किस तरह से ग्राउंड बनाना चाहिए। ये बहुत इजी वे है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बात करें और उन्होंने जो रूल्स बनाया है उसके हिसाब से अगर हम सोचे और उसकी तरह से अगर हम ग्राउंड बनाने की कोशिश करें, उनके मिनिमम या मैक्सिमम ग्राउंड्स कितना होता है वो अगर हम देखें, तो उसके लिए मैं आपको वो रूल्स भी समझाता हूं। तो देख लीजिए, हम नई फिगर देखते हैं, तो देख लीजिए उनके हिसाब से, मतलब उनके रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर की जो बाउंड्री है वो 195 फुट से 270 फुट तक हो सकती है, मतलब कम से कम 195 फुट होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा 270 फुट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगी, मतलब इस बीच में कौन सा भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं। और जो सामने वाली बाउंड्री है ये वाली, वो कम से कम 210 फुट होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 270 फुट तक हो सकती है। हम 210 या 270 के बीच में कौन सा भी डिस्टेंस ले सकते हैं। आईसीएसई के रूल के हिसाब से ऐसा फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि मतलब कितनी बाउंड्री होनी चाहिए और कितनी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे ग्राउंड पहले बन चुके थे और उनका मेजरमेंट कम ज्यादा था, तो जो नए ग्राउंड बन रहे हैं वो उनकी परफेक्ट मेजरमेंट, मतलब कम से कम 150 यार्ड, मतलब 450 फुट का डिस्टेंस दो बाउंड्री में होना चाहिए, ये हिसाब वो परफेक्ट लगाते हैं। लेकिन जो पुराने वाले ग्राउंड है उसमें यह एडजस्टमेंट के लिए इस तरह से फ्लेक्सिबल डिस्टेंस दिया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेजरमेंट समझ आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।